तो गाइस अभी हमारा ये रोड ख़त्म होने वाला है। बस यहाँ तक हमारा रोड था और यहाँ पे हमें ये बाई मिल चुके हैं। तो बोल रहे हैं आगे जाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट स्नो से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो निकलते हैं हम अपने ट्रैक पे। अभी हमारा ट्रैक यहाँ से जंगल वाला ट्रैक स्टार्ट होगा। इस रोड को हम यहाँ पे लीव करते हैं। तो चलो आप भी बने रहिए वीडियो में, मिलते आगे, हम देखते हैं सफ़र कैसा रहेगा। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि जब वो समर्स में ट्रैकिंग करते हैं, फिर जो इन मड हाउसेस में रहते हैं वो नोमैड्स जो गाय बकरी लेके होते हैं, तो वो विंटर्स में क्या करते हैं। तो विंटर्स में ये मड हाउसेस ऐसे ही रहते हैं और ये लोग नीचे आ जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो ये मड हाउसेस ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं और नीचे जाते हैं ये लोग फिर। ऐसा भी है कि अगर कोई विंटर ट्रैकिंग करता है, अगर कोई फ्रेंड्स के साथ विंटर ट्रैकिंग करता है, तो वो लोग इन मड हाउसेस में भी रह सकते हैं रात को, अगर उनको रात बितानी हो तो इनमें भी रह सकते हैं वो। वैसे ये गर्म रहते हैं और बहुत ही स्ट्रांग भी होते हैं। मैंने काफ़ी बार विंटर में बहुत सारे नाइट्स दिए हैं इन मड हाउसेस में अपने फ्रेंड्स के साथ। आप भी ट्राई कर दीजिए जो जो ये शौक रखता होगा। अभी तो आगे बहुत ही बर्फ है भाई, और एक दो बंदे शायद आगे गए हैं, उनके चलने के निशान यहाँ से है, बट ये कोई ट्रैकर्स नहीं है। ये जो नीचे मुझे भाई साहब मिला था, यही लोग जाते हैं ऊपर, कुछ समर्स में घास रखते हैं, फिर वो विंटर में नीचे लाते हैं अपने जानवरों के लिए। भाई ये शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे को कैसे अपने क्लिप्स लेने पड़ रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे फ़ोन सेट कर देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ शॉट लेने के लिए, फिर वापस आता हूँ ये फ़ोन लेने के लिए। तो बहुत ही एनर्जी लगती है आने जाने में और बहुत ही वक्त भी लगता है। तो ऐसा ही नहीं होता है जंगलों में, आ जाओ सोलो पे और वीडियो बनाओ कुछ ऐसा वैसा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से यहाँ का टेम्परेचर वो भी बहुत ही माइनस में है यार। ये बस मुझे आपको दिखाना था कि मैं अपने शॉट्स कैसे ले रहा हूँ। फ़ोन को सेट करता हूँ, फिर जाता हूँ शॉट लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ इस फ़ोन को लेने के लिए। तो डबल वॉक कर रहा हूँ मैं भाई। भाई वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर दिल चाहे, अगर नहीं चाहे तो मत कर दीजिए। अब जिसको दिल से अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको नहीं लगेगा तो वो मत कर दीजिए। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। Thank you.
गाइज अभी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। अभी मैं अकेले इस जंगल में बैठा हूँ और यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ मिली है जो मेरे काम आने वाली है, तो आपको भी दिखाता हूँ। वो है ये। हो सकता कि मैं आग जलाऊँ आगे, तो ये मुझे आग जलाने में बहुत काम आएगी भाई। तो इसको बैग में रखते हैं, चलते आगे। गाइज इतना चल के मुझे अभी यहाँ पे पानी मिला है। अब थोड़ा पानी पीते हैं। क्या है कि जब भी आप ऐसे ट्रैकिंग में रहो, अगर आपके पास पानी ना हो तो कभी बर्फ़ मत खा दीजिए, कभी बर्फ़ खाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ पे आपको पानी मिलता है तो उधर ही पानी पिए, नहीं तो इग्नोर ही कर दीजिए। बोलो किसके पास कौन सा हथियार है? अब जो पबजी प्लेयर्स है उनके पास कौन से हथियार है और मेरे पास कौन सा हथियार है? ये रहा मेरा हथियार, कुदरत का हथियार जो नेचर की तरफ से मिलता है और अभी बड़ा भी है यार। ये बस इधर ही रास्ते में मिला मुझे। मुझे पहले लगा यहाँ ये क्या है भाई, तो ये चूहा है, शायद ठंड से बेचारा मर चुका है। तो चलो इसको इधर ही छोड़ देते, हम आगे निकल जाते हैं। क्या पता किसी जानवर की खुराक बन जाए ये, अब तो इसकी जान रही नहीं। तो निकल जाते हैं यहाँ से आगे, बस काफ़ी करीब है हम अब। तो गाइस ये मैं पहुंचा हूँ इस वैली में, अपनी डेस्टिनेशन पे। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत ये वैली है। यहाँ से एंटर होते इस वैली में और मैं पहला बंदा हूँ जो यहाँ आ चुका है। ये देख लो, आगे से कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिलेगा आपको, ये मेरे ही फुटप्रिंट्स है पीछे जो मैंने छोड़े हैं। और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी है, ये देख लो भाई, यहाँ तक होती है बर्फ़। ओह ओह माय गॉड, ये देख रहे हो आप यार, मैं तो पूरे जैसे ग्लेशियर पे आ चुका हूँ। ओह यार ये यहाँ से पूरा ही, मुझे लगा यहाँ से ये स्नो है लेकिन यहाँ से आइस है, और यहाँ से संभल के चलना है।
ये वहां तक पूरा ही आइस है। चलो आगे जाते हैं, ट्राई करते हैं बड़े ध्यान से। अरे बहुत ही स्लिपरी है। आज तो हमें वो बड़े बड़े महल जैसे देखने को मिले नहीं, वो आइस के बड़े बड़े महल बन जाते हैं यहाँ पे। शायद कुछ दिनों बाद बन जाए वो, फिर से आता हूँ मैं कुछ दिनों बाद यहाँ तो। बट फिर भी यहाँ का नज़ारा जो है काबिले तारीफ़ है। और ये रहा मेरा साथी जो हमेशा मेरे साथ ट्रैकिंग पे होता है। तो चले पहले लकड़ियाँ देखते हैं, जुगाड़ हुआ तो आग जलाते हैं। गाइज़ ये आप देख रहे हो ये घास, तो ये घास भी हम निकाल के लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। यार हाथ बहुत ही ठंड पड़ चुकी है तो इस घास को भी निकालेंगे, जितना जितना हो सकेगा उतना उतना ले लो। क्या आग जलानी है भाई, यहाँ पे भी थोड़ा सा घास है, देखो फिर से गिर गया मैं। थोड़े थोड़े शॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, ये जो लकड़ियाँ ये वो कांटे वाले हैं, तो पूरे सूखे नहीं है, गीले हैं थोड़े, और अभी इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। बस एक बार आग जल जाए तो फिर मज़ा आएगा यार, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अच्छे से। ये भी काफी गीला हो चुका है यार। यहाँ पे फोन सेट हो चुका है, शायद आप भी देख सकते हो, तो देख लो तब तक जब तक मैं आग जलाता हूँ, कोशिश करता हूँ।
तो इस आग में करना क्या है, यहाँ से बर्फ उठाना है और इसके ऊपर डालनी है। इसके ऊपर डालनी है तो आग को बुझा दिया है। तो गाइज आज हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होगा, जो आज का ये व्लॉग था सोलो डे हाइक का, तो इसको इधर पे ही एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आग जला के रखी थी, थोड़ा खुद को वार्म किया और खाया, कुछ बिस्किट्स खाए, चॉकलेट्स खाए, तो और यहाँ पे नॉवेल भी थोड़ी सी पढ़ी, थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ नेचर के साथ। तो बस जिसको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको सब्सक्राइब नहीं करना तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं है। तो ओके, खुदा हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट शानदार वीडियो में।